अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स CS610 का लेक्चर नंबर 38 कवर करेंगे। इसके साथ हम 39 और 40 को भी साथ ही कवर कर लेंगे, क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है कमेंट्स में कि इसको इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लें। और मैं कोशिश करूँगा कि एक दो वीडियो में नेक्स्ट इसको कम्प्लीट कर लूँ, इसके 4-5 लेक्चर जो रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में, वेरियंट्स ऑफ नेट के बारे में। तो नेट के बारे में तो हमने पहले पढ़ा था कि नेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 4-5 कंप्यूटर्स हैं, आप चाहते हैं कि इन सब का हम आईपी एड्रेस सेपरेटली यूज़ ना करें, एक ही आईपी एड्रेस इन सब के लिए यूज़ करें। तो आप इसके ऊपर एक नेट की डिवाइस लगा देते हैं, जब भी आप डाटा सेंड करते हैं वो नेट के पास जाता है, नेट उसको अपना आईपी एड्रेस दे देता है और आप डाटा को सेंड कर देते हैं। तो ये सिंपली एक नेट की होगी कि नेट चीज़ क्या है। अब नेक्स्ट हमने इसकी वेरियंट्स के बारे में पढ़ना है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। द बेसिक नेट सिंपली चेंज आईपी एड्रेस बट नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन चेंज आईपी एड्रेस एंड प्रोटोकॉल नंबर 2, इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ नेट। अब जो बेसिक नेट है ना, अब जब आपका वो तो सिंपली आपका आईपी एड्रेस चेंज करता है, लेकिन आपका जो नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन, जिसको हम नेप्ट कहते हैं यानी कि NAPT कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट MCQs है। और आपके पास एब्रीवेशन है, आप पूछा जाएगा कि NAPT का क्या है या किस चीज़ के लिए ये स्टैंड करता है, तो आपने याद रखना है कि ये नेटवर्क एड्रेस एंड पोर्ट ट्रांसलेशन के लिए ये स्टैंड करता है। तो इसमें होता क्या है कि ये चेंज आईपी एड्रेस एंड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर 2, यानी कि आपका बेसिक नेट तो सिर्फ आईपी एड्रेस को यूज़ करता है यानी कि चेंज करता है, लेकिन आपका नेट जो है ना, ये आपका आईपी एड्रेस को तो चेंज करता ही है, लेकिन साथ साथ उसके पोर्ट प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर को भी चेंज कर देता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है यानी कि पॉपुलर फॉर्म है ऑफ नेट की। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ट्वाइस नेट। ट्वाइस नेट इज़ एन अदर वेरियंट ऑफ नेट। ट्वाइस नेट जो है ना, ये नेट की एक और वेरियंट है। ये कहाँ पे यूज़ होती है? इट इज़ यूज विद साइड एट रन सर्वर। ये उस साइट्स, उन वेबसाइट्स पे यूज़ होती है जो सर्वर्स को रन करते हैं। तो यहाँ पे इन दिस प्रोसेस नेटबॉक्स इज कनेक्टेड टू द डोमेन नेम, तो डोमेन नेम के साथ ये इंटरकनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, आपके शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपका इस टॉपिक में है नेप्ट, वही जो हमने पढ़ा है, नेटवर्क एड्रेस एंड प्रोटोकॉल एंड पोर्ट ट्रांसलेशन। इसके बारे में थोड़ी और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम। इट इज़ फार बाय द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ नेट दैट कैन चेंज TCP एंड DB प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर एज वेल एज आईपी एड्रेस। ये आपकी TCP और DB प्रोटोकॉल दोनों में आपके पोर्ट नंबर को ना चेंज कर देता है। इट अलाउज मल्टीपल कंप्यूटर टू एट साइट टू कम्युनिकेट विद सिंगल डेस्टिनेशन एज वेल एज मल्टीपल यूजर्स ऑन गिवन कंप्यूटर कम्युनिकेट विद सेम डेस्टिनेशन। ये करता है क्या गया है कि आपके जो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं ना, उनको ये परमिशन देता है कि वो एक सिंगल डेस्टिनेशन के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। फॉर एग्जांपल, बहुत से कंप्यूटर आपकी एक कंप्यूटर की तरफ जो है ना डाटा सेंड कर सकते हैं, और ये एक और परमिशन देता है कि आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स जो है ना, एक सेम यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स सेम कंप्यूटर को भी डाटा सेंड कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेनिफिट होता है। तो लेट्स, यहाँ पे इसकी एक नेक्स्ट फॉर्म आती है, वो है TCP स्प्लाइसिंग। अ पॉपुलर यूज़ ऑफ नेप्ट इज़ TCP स्प्लाइसिंग। इट इंटर कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट TCP कनेक्शन एंड परफॉर्म सेगमेंट रीराइटिंग। अब इसमें क्या होता है कि TCP स्प्लाइसिंग जो है ना, ये इंडिपेंडेंट TCP कनेक्शंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। और इसमें होता क्या है कि अगर आपने जो डाटा है ना, अगर वो सेंड करना है, तो आप उसी टाइम में रिसीव भी कर सकते हैं और एक टाइम पे 3-4 डिवाइसेस को डाटा सेंड भी कर सकते हैं। तो TCP स्प्लाइसिंग का ये शॉर्ट सा कंसेप्ट है, इसको आप देख लें। बाकी अगर एक्सप्लेनेशन पढ़नी होती है तो आप पढ़ लें। और यहाँ पे है कि इट यूजेस एक्सटेंड ट्रांसलेशन टेबल। ये आपके पास MCQs आ जाता है कि TCP स्प्लाइसिंग किस टेबल को यूज़ करता है, तो आपने याद रखना है कि ये एक्सटेंडेड ट्रांसलेशन टेबल को यूज़ करता है। नेक्स्ट रहता है हमारे पास ट्वाइस नेट। बेसिक नेट डज नॉट वर्क वेल फॉर द कम्युनिकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द इंटरनेट। तो ट्वाइस नेट अलो अ साइट टू रन सर्वर्स। इट रिक्वायर द DNS टू इंटरकनेक्ट विद द नेट डिवाइस। यहाँ पे होता क्या है कि जो बेसिक नेट है ना, वो कम्युनिकेशन को इतना ज़बरदस्त तरीके से कम्युनिकेशन नहीं करता, फॉर एग्जांपल डाटा को एक्सचेंज नहीं करता। लेकिन जो ट्वाइस का नेट है ना, ये वाला, ये जो है ना, बड़े ज़बरदस्त तरीके से कम्युनिकेशन करता है। लेकिन इसको कम्युनिकेशन करने के लिए DNS की ज़रूरत होती है। DNS के बारे में हमने पीछे पढ़ा है, हमें दोबारा नहीं पढ़ाने वाला। DNS की इसको ज़रूरत होती है। डिवाइस नेट जो है ना, ये आपका फेल हो जाता है अगर एप्लीकेशन जो है ना, आपकी डोमेन नेम की जगह आईपी एड्रेस को यूज़ कर ले। ये डोमेन नेम को यूज़ करता है डिवाइस नेट आपका, तो अगर आपकी एप्लीकेशन ने आईपी एड्रेस को यूज़ कर लिया, तो ये आपका जो है ना, फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, कैट के बारे में, आपने बस कैट के बारे में ये चीज़ याद रखनी है कि ये केबल मोडेम प्रोसेस को करती है, यानी कि ये किस चीज़ की वजह से होती है, ये केबल मोडेम प्रोसेस की वजह से होती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नेट एट होम। अब इसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है।
डैट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके घर में ना 5-6 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, अब वो 5-6 कंप्यूटर्स आपके एक वाईफाई के साथ कनेक्ट हैं। अब होता क्या है कि आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका, वैसे तो हर कंप्यूटर का अलग से आईपी एड्रेस होता है, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपने जब ग्लोबली काम करना हो तो आप सारे कंप्यूटर्स का जो आईपी एड्रेस ना वो सबका चेंज यूज़ करें। तो आप करते क्या है कि उसके ऊपर एक नेट लगा देते हैं, तो आपके जितने सारे कंप्यूटर्स होते हैं ना घर में पड़े हुए, फॉर एग्जांपल ये आपके सारे कंप्यूटर्स हैं, ये आपके एक नेट के साथ जुड़ जाते हैं, नेट इसको अपना आईपी एड्रेस दे देता है, जब कोई भी आप डाटा सेंड करते हैं इसको अपना एक आईपी एड्रेस देता है, तो वो जो आईपी एड्रेस है ना उसी एड्रेस के साथ अपन डाटा को सेंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा लेक्चर नंबर 38। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 39 की तरफ। सो गाइज, नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 39। ये एक नया टॉपिक यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत शार्ट्स हैं लेकिन आपके इंपॉर्टेंट है, जस्ट आपने थोड़ा सा जेहन में रखना है, आपको ये आ जाएंगे। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आईपी रूटिंग पार्ट 1 को। तो आईपी रूटिंग कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है आपके पास फॉरवर्डिंग, दूसरा है आपके पास रूटिंग। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि आप डिफरेंस करें फॉरवर्डिंग और रूटिंग को, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। इट रेफर्स टू डेटाग्राम ट्रांसफ़र। फॉरवर्डिंग जो है ना ये डेटाग्राम को ट्रांसफ़र करता है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय होस्ट एंड रूटर। इसको होस्ट और रूटर दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं। इट यूज़ रूटिंग टेबल, ये रूटिंग टेबल को यूज़ करता है। तो यहाँ पे इसके ये हो गई। दूसरा हम देख लेते हैं कि रूटिंग, इट रेफर्स टू प्रोपोगेशन ऑफ रूटिंग इन्फॉर्मेशन। ये यानी कि रूटिंग इन्फॉर्मेशन में जो चेंजिंग, जो एडिटिंग आ रही होती है ना, उनको रेफर करता है। इट इज़ परफॉर्म्ड बाय रूटर। ये तो था ना होस्ट और रूटर के जरिए परफॉर्म हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ रूटर के जरिए ही परफॉर्म हो सकता है। इट इंसर्ट आर चेंज वैल्यू इन रूटिंग टेबल। ये रूटिंग टेबल में वैल्यू चेंज कर सकता है और उसमें इंसर्ट भी कर सकता है, और ये सिर्फ रूटिंग टेबल की रूटिंग टेबल को ही यूज़ करता है। तो इसमें ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हैं, ये आपने देख लेनी है। नेक्स्ट आती है हमारे पास टू फॉर्म्स ऑफ इंटरनेट रूटिंग, स्टेटिक रूटिंग एंड डायनेमिक रूटिंग। इंटरनेट रूटिंग की दो फॉर्म होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास स्टेटिक रूटिंग, डायनेमिक रूटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, स्टेटिक रूटिंग में क्या होता है। ये आपके ज़्यादातर डिफरेंस वाले हैं, तो आपने समझ लेना है कि इसमें आपने डिफरेंस करना सीखना है। स्टेटिक रूटिंग में क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ इंटरनेट रूटिंग। ये इंटरनेट रूटिंग की एक फॉर्म है। इन स्टेटिक रूटिंग द टेबल इज इनिशियलाइज्ड व्हेन सिस्टम बूस्ट एंड देयर इज नो फर्दर चेंजेस। अब इसमें होता क्या है कि आपका जो टेबल होता है ना, जैसे ही आपका सिस्टम बूट होता है उसके साथ ही वो इनिशियलाइज होता है, उसके साथ ही वो भी स्टार्ट हो जाता है, और इसके बाद इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की जा सकती। ये स्टेटिक रूटिंग में होता है। और डायनेमिक रूटिंग में क्या होता है, इन डायनेमिक रूटिंग द टेबल इज़ इनिशियलाइज्ड व्हेन सिस्टम बूट्स। इसमें भी वही चीज़ होती है कि जब आपका सिस्टम जो है ना बूट हुआ, उसके साथ ही आपकी जो रूटिंग है ना वो आपकी स्टार्ट हो गई। इसके बाद इंक्लूड रूटिंग सॉफ्टवेयर विच लर्न रूटिंग एंड अपडेट टेबल। इसमें क्या था कि इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती थी, लेकिन इसमें जो है ना एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके टेबल को मुसलसल अपडेट करता रहता है। इन दिस वे कॉन्टीन्यूस चेंजेस आर पॉसिबल ड्यू टू रूटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसी तरीके से इसमें कॉन्टीन्यूस चेंजिंग जो है ना वो होती रहती हैं। इसमें चेंजिंग नहीं होती, इसमें चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली होती रहती हैं। तो ज़्यादातर यही इसमें मेन डिफरेंस है। यहाँ पर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय मोस्ट इंटरनेट होस्ट। और ये स्टेटिक रूटिंग जो है ना, ये वाला, ये इंटरनेट होस्ट इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट डिस्टिनेशंस होती हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को डाटा भेजा, तो ये वाले कंप्यूटर जो है ना ये इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। दैट टाइपिकल रूटिंग टेबल हैज़ टू एंट्रीज़। तो इसकी सिर्फ दो एंट्रीज़ होती हैं, इसमें ज़्यादा कुछ डीप जाने की जरूरत नहीं है, हम यही पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पास रूटिंग टेबल। ये एक्सप्लेनेशन है, ऊपर भी हमने पढ़ा लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं। इट इज़ यूज्ड बाय आईपी रूटर्स। ऊपर वाले तो हमने पढ़ा था ना कि स्टैटिक रूटिंग को इंटरनेट होस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन डायनेमिक रूटिंग को ज़्यादातर आईपी रूटर्स यूज़ करते हैं। इट रिक्वायर्स स्पेशल सॉफ्टवेयर विद कंटीन्यूअसली अपडेट द रूटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें एक स्पेशल किस्म का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जो कि आपके रूटिंग की इन्फॉर्मेशन को अपडेट करता रहता है। एच रूटर कम्युनिकेट विद निकबोर। ये अपने तमाम यानी कि निकबोर के जो हम सहायक रूटर होते हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं। इट पास रूटिंग इन्फॉर्मेशन एंड यूज़ रूट प्रोपोगेशन प्रोटोकॉल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद अदर। यानी कि ये एक वे तलाश कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर की तरफ डाटा सेंड किया, तो अगर उसने आपने जो डिस्टिनेशन एड्रेस है वो थोड़ा सा गलत दे दिया, तो इसको डाटा नहीं जाएगा, तो ना ही उसको वो कन्वे का मैसेज आएगा। तो ये बार बार उसको डाटा सेंड करता रहेगा, ये होगा ऐसा स्टेटिक में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डायनामिक में जो होते हैं ये सारे रूटर्स अपने निकबोर के साथ कम्युनिकेट होते हैं। ये जब इसको डाटा सेंड करेंगे नहीं होगा, तो वो अपने हमसाए के साथ बातचीत करेगा और उसके साथ डाटा एक्सचेंज करेगा और उसका एक अच्छा आई पी एड्रेस जो है ना वो फाइंड कर लेगा। तो डायनामिक रूटिंग में ये होता है। तो ये हो गया हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट। जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है लेक्चर्स हैं, हम इन्हें इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। सो गाइज, हम नेक्स्ट आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 40 पे।
यहाँ पे हम आपकी रूटिंग, वही जो सीरीज हमारी चल रही है उसको हम यूज़ करेंगे, रूटिंग इन द ग्लोबल इंटरनेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कंप्यूटर से कंप्यूटर की ट्रांसफरिंग यानी कि डाटा एक्सचेंज की बात करते रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम ग्लोबल इंटरनेट की बात करते हैं। तो ग्लोबल में भी वही होगा, जब आप काफ़ी सारे कंप्यूटर्स का जो आईपी एड्रेस आप एक रखना चाहते हैं और आप ग्लोबली अपना डाटा एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो वही आपके पास एक नेट की डिवाइस यूज़ होगी और वो डाटा जो है ना अपना सेंड कर लेगा। तो ये सारे पैराग्राफ में सिर्फ ये चीज़ लिखी हुई है। एंटोनिम्स जो होते हैं, एंटोनिम्स सिस्टम का कंसेप्ट जो है ना, ये यूज़ होता है कोई एक ब्रांच, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है ना इसको यूज़ कर सकती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन सी होती है, एक हॉस्पिटल हो सकता है, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी का डाटा हो सकता है, तो उसको एंटोनिम्स सिस्टम कंसेप्ट करते हैं। यहाँ पर से एक्चुअली में हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट रूटिंग प्रोटोकॉल, देयर आर टू ब्रॉड क्लासेस ऑफ इंटरनेट रूटिंग प्रोटोकॉल, यानी कि इंटरनेट रूटिंग प्रोटोकॉल की दो ब्रॉड क्लासेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, दूसरी है आपके पास एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो आपके पास ये एब्रीविएशन आएगा कि IGPS किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ये इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, और EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स के लिए। आप इंटीरियर की बात हुई है तो आपको पता चलेगा कि ये जो है ना दरमियान में यूज़ होती होंगी। इट इज़ यूज अमंग रूटर्स विद इन ऑटोनम्स सिस्टम, द डेस्टिनेशन लाइज विद इन IGP। अब इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये दी हुई है एग्जांपल, अगर तो आपके पास सिर्फ एक ही सिस्टम है, उसके बीच में आपने डाटा को सेंड करना है, तो उस चीज़ के लिए आपके पास यूज़ होगी IGP। ये एक हो सकते हैं, आप इसको भी एक उलादा, यानी कि सेपरेटली एक होना चाहिए, उसके बीच में जो भी डाटा ट्रैवल होगा वो IGP होगा, यानी कि इंटीरियर में होगा। लेकिन जो एक्सटीरियर होगी ना, उसमें क्या होगा, इट इज़ यूज अमंग ऑटोनम्स सिस्टम्स, द डेस्टिनेशन लाई थ्रू आउट इंटरनेट। इसमें जो है ना डाटा, यानी कि एक से दूसरे में जाने के लिए यूज़ होगा। आपके पास ये अक्सर एग्जामिनेशन में ये डायग्राम आ जाती है, इस तरीके से आपको डायग्राम बता देंगे और कहेंगे कि ये डाटा यहाँ पर सेंड हो रहा है, तो इसको आप लेबल करें, तो आपने कहना है कि ये IGP। अगर आपके पास इस तरह दो डिवाइसेज दे दें और ये आपस में कम्युनिकेशन हो रही हो, यानी कि आपके पास दो दे भी दें और यहाँ पर आपके से पूछेंगे कौन सी यहाँ पर यूज़ हो रही है, तो आपने यहाँ पर एक लाइन लगानी है और आपने बोल देना है कि इसमें EGP यूज़ हो रही है, यानी कि एक्सटीरियर यूज़ हो रही है। इंटीरियर सिर्फ अंदर के लिए, EGP एक्सटीरियर और कंप्लीट के लिए। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 40। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे 41 को। तो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग माय फुल वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी YouTube फैमिली के साथ आप इंटरकनेक्ट रहें। थैंक यू अगेन।